नमस्कार, मैं हूँ निशा और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ माता सावित्री बाई के जन्म के बारे में। उनका जन्म 3 जनवरी 1831 को गांव के मुखिया खंडोजी नेवसे के घर में हुआ था। उनकी माता का नाम लक्ष्मी बाई था। सावित्री बाई अपने पिता की तरह हष्टपुष्ट और माता की तरह सुंदर थी। ऐसी सुंदर कन्या को पाकर उनके माता पिता बहुत खुश थे। माता पिता ही नहीं बल्कि पूरा गांव खुशियां मना रहा था। मुखिया के घर में बेटी हुई है इस बात की मिठाइयां पूरे गांव में भी बांटी गई और पूरा गांव झूम उठा था। ऐसा लग रहा था कि उनके स्वागत के लिए वह सभी लोग पहले से ही तात्पर्य थे। वह कन्या देखने में बहुत ही सुंदर थी, उनकी आंखें मनमोहक थी और ऐसे कन्या का जन्म होने के कारण वह अपने आप पर गर्व कर रहे थे और प्रशंसा की बात थी कि सावित्री बाई का जन्म उनके घर में हुआ था। सावित्री बाई अपने पिता की बहुत लाडली थी। वह इतनी लाडली थी कि उनके पिता अपनी पुत्री सावित्री बाई के लिए कभी कभी घोड़ा बन जाते थे और उनको अपनी कमर पर बिठाकर खिलाया करते थे और उनके लिए सुंदर सुंदर खिलौने भी लेकर आते थे। सावित्री बाई बचपन से ही शरारती नटखट थी, लेकिन उनके पिता उनको बहुत प्यार करते थे। सावित्री बाई आम लड़कियों की तरह ही खेला करती थी और उनके साथ ही खेल कूद कर बड़ी हुई थी। वह खतरों से जूझने में उन्हें बहुत ही आनंद आता था और वह तैराकी में और निशानेबाज में बहुत ही होशियार थी। उनके सामने यदि कोई बड़ा लड़का अपने से छोटे बच्चे को, कमज़ोर को परेशान कर रहा है तो वे उसे मारकर भगा देती थी। साहसी पुत्री को पाकर उनके पिता बहुत खुश होते थे और अपनी लाडली बेटी पर गर्व किया करते थे। बचपन से ही उनमें ऐसा लगता था कि वो आगे जाकर बहुत ही साहसी बनेंगी और कुछ कर दिखाएंगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।